सबवेंशन लॉ। आपने सुना है बचपन में कभी केसीएल केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, कभी सुना है? कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। नाम बहुत भारी भारी से लगते हैं, किरचॉफ किरचॉफ, स्पेलिंग ही नहीं आती आधे लोगों को तो किरचॉफ। तो दिस इज जंक्शन लॉ, बहुत ईजी आसान सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं, ध्यान दीजिए। ऐसे मान लो ठीक है यार, गला खराब होता है तो तुम कहीं और से आवाज निकालते हो। हाँ यार ऐसे कर रहे हैं, T1, T2, T3 तीन टेम्परेचर्स, और आप लोग देख सकते हैं इनका जंक्शन कहाँ पे, लिख गया ना? होता क्या ना, ऐसे अपन करंट की बात करते हैं तो मान लो करंट यहाँ से I बह रहा है, मान लो यहाँ पे I है और ये जो I की वैल्यू है लेट से दिस इज 5 एम्पियर, तो यहाँ पर जाएगा तो 2 एम्पियर होगा और यहाँ जाएगा तो 3 एम्पियर होगा, बोलो होगा कि नहीं? इसमें अपन ऐसे थोड़ी करते हैं कि एंगल 120 डिग्री दे रखा है इसका और इसका नेट निकालते हैं, ऐसे करते हो? चलो ये बातें पता है ना। तो बेसिकली इस जंक्शन के ऊपर अगर अपन लोग देखें तो जितना करंट आया गया उतना ही बाहर निकल गया। तो जंक्शन पे नेट क्या आया? जंक्शन पे नेट क्या आया? तो हमें यही करना है, नेट करंट क्या कर दे जंक्शन पे? जीरो। मतलब कि अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और इसका क्या बेटा R3, तो व्हाट शुड आई राइट? I क्या होता है? I होता है ना T1 माइनस T2 अपॉन R, भूल गए? तो हम लोगों को क्या लिखना है बोल? T1 माइनस, अब जंक्शन का टेम्परेचर ले लेता हूँ, तो TM माइनस T1 अपॉन R1 प्लस TM माइनस T2 अपॉन और प्लस TM माइनस T3 अपॉन, क्या दिस शुड बी इक्वल टू जीरो? ये मुझे पता होना चाहिए। जंक्शन लॉ, कौन सा लॉ? नोट कर लीजिए, नेट जीरो कर दिया ना बेटा, माइनस साइन लगा के उधर ले जाए, एक ही तो बात है। अरे तू इसको यहां लिख ले और लगा दे माइनस साइन, इस पोर्शन को यहां लिख दे और माइनस साइन लगा दे, तो अपने आप ही T2 माइनस TM और T3 माइनस TM हो जाएगा, खत्म। या फिर बोलो कि नेट करंट जो जंक्शन पे आ रहा है वो क्या हो गया? जीरो, पर इन द सेम वे, ठीक है? नोट करी, इन दिस वी कंसिडर the heat coming in is equal to the heat coming out. Heat coming in is equal to the heat coming out. Heat coming in is equal to the heat going out. Sorry. मतलब coming out तो कोई दूसरा देख रहा है तो it is coming out, ऐसे ऐसे बोल। Frame of reference. हीट कमिंग इन, हीट कमिंग आउट, जो यहां से देख रहा है उसके लिए तो इट इज कमिंग आउट। तो हीट कमिंग इन इज इक्वल टू द हीट गोइंग आउट जंक्शन पे, कहां पे बेटा? जंक्शन। ये बात समझ में आती है? तो यहां पे T1 सबसे बड़ा हो गया बेसिकली, और TM जो है वो T2 और T3 से क्या हो गया? बड़ा। दिखा आप लोगों को? नहीं दिखा? T1 बड़ा है किससे? TM से, और TM बड़ा है T2 और T3 से। अरे बोलो, खत्म कहानी। तो जल्दी से ऐसा ही एक और डायग्राम बनाते हैं, ऐसा ही एक और डायग्राम बनाएंगे और कुछ कुछ रेजिस्टेंस मान लेते हैं रास्ते के, है ना? चलो लेट्स टेक T1 टू बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा ही डायग्राम बनाओ। T1 की वैल्यू 100, T2 इज 50, T3 इज 0, T2 इज 50 एंड T3 इज 0, ठीक है? T1 से TM वाले सेगमेंट में रेजिस्टेंस इज 4R, TM से T2 में 2R और TM से T3 में R, ठीक है? व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? TM, वेरी गुड, सही तो बनाया आपने डायग्राम।
4R2RR। by 7। You just have to put the values in reality। इसके अंदर values ही तो put करनी है, ये और भी कुछ करना है। Value put करो answer को। मैं solve करूँ? भाई TM minus 100 upon क्या बेटा 4R plus TM minus 50 upon 2R plus TM minus 0 upon should be equal to what? 0। That's it। हो गया? कर लिया? तो यहां से बेटा टीएम कितना आ गया आपके पास? भरोसे लायक है? ठीक, सबका यही आया? तब तो भरोसा कर सकते हैं, राइट? ठीक है, कभी सुना है व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल? अरे ये गेहूं लिखा है ना यार, पत्थर और पुल। दिस इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब सुनो भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? कुछ लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा इस शहर में, पढ़ाए क्या? बहुत अच्छी बात है अगर पढ़ाए तो, नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये मान लेता हूँ R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर क्या है बेटा? T2। साथ में एक एक्स्ट्रा जंक्शन और है, ये देखते हैं, ये R5 है। ठीक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 इन द शोन सिचुएशन, ध्यान रखना T1 T2 ऐसे और R5 ऐसे, इसी सिचुएशन के लिए है ये। अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू व्हाट? R3 अपॉन R4। इन दिस केस व्हाट कैन वी डू इज रिमूव R5। रिमूव मतलब R5 के अंदर से कोई हीट करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर ऐसा है, इट मींस R5 इज व्हाट? 0। ठीक है, और ये अगर हट गया तो हमारा काम हो गया। हमारे पास में सिर्फ क्या बचा बोलो? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका R1, ये क्या हो गया? R2, दिस इज योर R3 एंड दिस इज योर, यहाँ टेम्परेचर T1 और यहाँ टेम्परेचर T2। बट कंडीशन ये वाली फुलफिल होनी थी, अगर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये दिख रहा है आपको, तो आप लोग बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा देंगे। इन दैट केस आप लोग बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा देंगे, यू कैन रिमूव द रेजिस्टेंस, बल्कि इसको ऐसे लिखो R5 कैन बी रिमूव, उसको जीरो ना करो। जीरो करके तो तुम उसको क्या वायर बना दोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोग ऐसा बोलोगे R5 कैन बी रिमूव्ड। अगर हम लोग इसको जीरो कर देना इसके रेजिस्टेंस को, तो पता है क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर करंट यहाँ से यहाँ जाके ऐसे निकल जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स नॉट कॉल इट जीरो, लेट्स कॉल इट दैट R5 कैन बी रिमूव्ड। R5 कैन बी रिमूव्ड, उसको हटा दिया हम, वो किसी काम का नहीं रहा, बट ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अब बताओ ये T1 ये T2 क्या इक्वेशन आएगी? व्हाट विल बी द आर इक्वलेंट? आर इक्वलेंट क्या होगा बोल? एक मिनट, क्या ये दोनों सीरीज? यस सर। क्या ये दोनों सीरीज? यस सर। आपस में पैरेलल? यस सर। आपस में पैरेलल। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? R1 प्लस R3 और R2 प्लस R4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? देखना जरा, यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर, ऊपर वाले का बोलो जरा R1 प्लस, नीचे वाले का बोलो जरा R2 प्लस। क्या बोथ आर इन पैरेलल? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आर इक्वलेंट क्या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। मजा ही आ गया। R1 R2 कितना हो गया बोल?
आर वन प्लस आर थ्री इंटू आर टू प्लस आर फोर, ये तो हो गया आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, सबको आया आर इक्वल है। ठीक है, एंड वाई दिस आर फाइव कैन बी रिमूव लेटर ऑन यू विल कम टू नो, डोंट वरी राइट नाउ, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अभी आप लोग कंडीशन याद रखें, आर वन अपॉन आर फाइव शुड बी इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर। नंबरिंग सही करनी है, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के कहीं भी कर दिया, ऐसा नहीं कि आपने ये कर दिया आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और फिर बोला आर वन अपॉन आर टू, तो गलत है वो, समझ गए ना। नेमिंग ऐसे ही होनी चाहिए, या आपको दिखना चाहिए ये अपॉन ये और बीच में ये लगा हुआ है और ऐसे ये लगा हुआ है। मैं अगर टी वन टी टू यहाँ कर देता तो क्या होता, अरे तीनों पैरेलल हो जाते यार, तुम बावड़े लोग हो क्या, बिल्कुल टी वन टी टू यहाँ कर दिया तो वो सवाल हो गया जो मैंने करवा दिया तुम्हें पहले ही, ये दोनों सीरीज और तीनों आपस में पैरेलल, फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता, होता ही नहीं। हाँ, आदमी था एक व्हीटस्टोन, उसने बनाया था। हाँ और क्या, तेरा नाम क्या है, मुर्तजा है ना, क्यों कहते हैं, रख दिया ना, इसका भी नाम रख दिया। देयर वाज अ मैन कॉल्ड पप्पू, है ना, जैसे अपना राहुल गांधी है ना। बताओ भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? जल्दी करो, बातें नहीं, बातें क्यों हो रही है, क्या हो गया? आर इक्वलेंट या आई, लोगों को यही नहीं पता टेन क्या निकाले उन्होंने, कोई उसमें भी आर बोल रहे कोई आई बोल रहे, आर इक्वलेंट। टेन आर हटा सकते हैं, टेन आर हटा सकते हैं, पक्का दिख गया ना सबको भाई। देखो फोर आर अपॉन टू आर इज टू आर अपॉन आर, फोर आर अपॉन टू आर कितना है बेटा, टू आर अपॉन आर के ही तो बराबर है। तो अगर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होता है तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल होती है? अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या बीच वाले को निपटाया जा सकता है? निपटा दिया, बीच वाले को निपटा दिया। अब बता आर इक्वलेंट, ये निपटने के बाद में क्या यू आर लेफ्ट विद दिस फोर आर टू आर टू आर आर हंड्रेड और जीरो, बोलो यही तो बचा। अबे यार बोलते नहीं, पहले छपाई करते रहते हो यार, यही बचा ना, चार दो छः, दो और एक तीन, छः तीन का दो, अरे छः तीन सिखाया था ना, छः तीन क्या होता है बेटा, तो आर इक्वलेंट इज टू आर, आर इक्वलेंट इज एंड आर इज फाइव, सो आर इक्वलेंट इज व्हाट। ठीक है, अब व्हाट इज आई, 100 माइनस 0 अपॉन आर इक्वलेंट, व्हाट इज आर इक्वलेंट, 10, आंसर बोलिए। बार बार मन करता है एम्पियर लिखने का, आपका भी करता है क्या, आंसर ही नहीं निकालते, मन क्या करेगा। अपने आप किया था, अच्छा बात बंद यहां देखो,
इस बार रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो है ना बेटा, वो थोड़ा सा बदलने वाला है। आपके जीवन में थोड़ा सा दर्द आ सकता है इसको देखने पे, तो जो थोड़ा सा दर्द है उसको कम करने के लिए मैं मौजूद हूँ, इसलिए डरना नहीं। मैं आपके लिए आपकी डिस्प्रीन और कॉम्बी फ्लेम बनने को तैयार हूँ, पर दर्द शेयर करना पड़ता है। दर्द क्या करना पड़ता है, आओ देखते हैं, शेयर करें अपने अपने दर्द। मेरी दवा तुम नहीं बन सकते। बहुत दर्द। क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं, मतलब मत बताओ। चलो देखो, सबसे पहला जो हम लोग रेट ऑफ हीट कंडक्शन देख रहे हैं बेटा, वो देख रहे हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो है पर कॉन्सेंट्रिक वाला, ध्यान देना किस तरह का। ये वाला ठीक है। टेम्परेचर है मान लेते हैं इसका T1 और बाहर टेम्परेचर है T2, और साथ में हमें गिवन है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। साथ में क्या गिवन है, T1 इज ग्रेटर देन T2, ये कंडीशन आप लोगों को गिवन है। तो बोल अंदर से हीट बाहर की तरफ जाएगी। अब यार इसका तो एरिया वेरिएबल है ना, आज तक जो भी हम लोग लिखते आ रहे थे उसके अंदर क्या लिख रखते हैं अपन लोग, KA टाइम्स T1 - T2 बाय L डायरेक्ट करते थे। एरिया होता था कांस्टेंट। अपन लोग I का फॉर्मूला क्या लिखते थे बताना जरा, यहाँ लिख देता हूँ। I इक्वल्स टू क्या लिखते थे, KA/L (T1 - T2) यही लिखते थे। अब जब एरिया कांस्टेंट नहीं रहा ना, तो हमारे जीवन में दर्द हो गया। लेट्स से कि ये वाला रेडियस जो है बेटा वो R1 है और ये वाला कितना है, तो ऐसे में क्या किया जाए जब एरिया कांस्टेंट ही नहीं रहा। तो इन सच अ केस सुन लो, मैं बता रहा हूँ, आप लोग नहीं बता पाएंगे, सुन लो, पहली बार है, सुन लो। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे आर पे जाके एक dr का छोटा सा ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं। क्या सबको दिख गया, तो आर पे जाके dr वाला खेला खेलना है। आशा करता हूं आपको ये याद होगा, आर पे जाके dr, ठीक है। और ये जो आर पे जाके हम लोगों ने dr लिया है, क्या इसी के अंदर अब अपने को हीट ट्रांसफर की बात कर लें, लिमिट लगा के R1 से लेके R2 तक की। लिमिट कहां से कहां तक की लगा दें, R1 से लेके R2। अब आपका फॉर्मूला क्या बन चुका, आई वाला -KA times dT/dx। अब आपका फॉर्मूला क्या बन चुका है, -KA times dT/dx। और इस वाले फॉर्मूले में देख, मेरे को पता थोड़ी है आप अब किसकी बात कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफर बिटवीन R से लेके R+dr। किस रेडियस की बात कर रहे हैं, देख इसी रेडियस R से लेके R+dr रेडियस तक के जो सरफेस बना, उस सरफेस में जो हीट ट्रांसफर है, अब मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। और ये बहुत पतला होता ही है, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप हम लोग लेते हैं, ये एलिमेंटल स्ट्रिप कैसी होती है, बहुत मोटी बहुत पतली, बिकॉज दिस इज बहुत पतली, तो इसका रेडियस छोटा आर मान के चल सकते हैं हम लोग एंड तक। तो एरिया क्या लिखूंगा, स्फीयर है तो 4πr² स्फीयर है ना ये, भाई स्फीयर को, स्फीयर में एलिमेंट भी क्या लिया है, ये छोटा स्फीयर ही तो बना उसमें चारों तरफ, इधर भी सब तरफ है ना सरफेस को। तो हम लोगों ने जो बनाया है वो असली में क्या है, इट इज अ स्फीयर, इट इज अ। तो जब मैं ए लिखूंगा तो व्हाट विल बी द एरिया, 4π r² 4π × तो लेट्स ट्राई टू राइट एवरीथिंग, है ना। आई इक्वल्स टू लिखा हम लोगों ने, तो बोलो आई की वैल्यू क्या लिखी, -KA की वैल्यू बोलो 4πr² मल्टीप्लाइड बाय क्या, dT/dx मल्टीप्लाइड बाय dT/dx, बोलो सही है, राइट। अब एक चीज बताओ, यहां तक पहुंचने के बाद में हमें यार ये बात समझ में आती है कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, या ऐसा करते हैं ये 4πr² वाली टर्म को इधर ले आते हैं और ये dx को ऊपर ले जाते हैं। भाई हम लोग r की टर्म्स में चल रहे हैं ना, तो इसको x लिखूं या r लिखूं, इसको छोटा r ही लिख देता हूं,
भाई एक्स का मतलब आर है ना, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? आर और टी, टेम्परेचर ही तो चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या बोला बोलो? या हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया, आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन डी आर। बोलो सही है क्या बेटा? डी आर इधर उछाल दूं क्योंकि आर स्क्वायर इधर है और डी टी यहीं छोड़ दूं। वेरी गुड। क्या आई इज कॉन्स्टेंट? स्टेडी स्टेट की बात हो रही है भाई। आई हमेशा कैसा ले लेते हैं अपन लोग? कॉन्स्टेंट ले लेते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेडी स्टेट सिस्टम। बोलो बात कर रहे हैं कि नहीं? तो ये जो अब 4πr² k वाली जो टर्म आई है, इसमें व्हाट कैन बी इंटीग्रेटेड? आर स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में? डी आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? देख, आई अपॉन 4πk डी आर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो सही। शुड बी इक्वल टू माइनस डी टी। बोलो सही है। और अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो क्या सांप का ख्याल तो आना ही चाहिए? सांप के ख्याल में क्या टेम्परेचर इज वेरिंग फ्रॉम T1 टू T2 एंड रेडियस इज वेरिंग फ्रॉम R1 टू R2, क्या सबको नजर आया? वन अपॉन आर स्क्वायर का होता है -1/r। ओ ये क्या बता दिया सर आपने। अरे 1/r² को r की पावर -2 लिख लो और उसके बाद क्या लगा दो? nx की पावर n-1। शर्म नहीं आ रही? r की पावर n+1 अपॉन इंटीग्रेशन है ये nx की पावर n-1। क्या लगेगा? r की पावर n+1 अपॉन nx की पावर n-1। इधर ध्यान है? ठीक है। हाँ तो बोलिए क्या आ जाएगा? बोलो बेटा क्या आएगा? आई अपॉन 4πk, ये क्या बचा बेटा? -1/r, R1 से लेके R2 इज इक्वल टू, यहां बोल T1 - T2। माइनस साइन लगाया ना बेटा? इंटीग्रल dt इज t, तो क्या आएगा? T2 - T1। माइनस साइन है तो T1 - T2 चलेगा सबको? वेरी गुड। अब इसमें भी वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास में क्या आ गया बताइए? आई अपॉन 4πk, अंदर बोल 1/r1 - 1/r, लिखा किसी को? इज इक्वल टू T1 - T2। सर ऐसे क्यों लिख दिया है? माइनस साइन का क्या हुआ सर? समझ गए? बताने की जरूरत तो नहीं? वेरी गुड। यहाँ से LCM ले ले, देखना जरा क्या आ रहा है। आई अपॉन 4πk, ये कितना आ गया? R2 - R1 upon R1 R2। बोलो आएगा? इज इक्वल टू T1 - और I की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ से। I की वैल्यू क्या आ गई बोल यहाँ से? T1 - T2 अपॉन में क्या ये पूरी क्वांटिटी? अपॉन में पूरी क्वांटिटी जाएगी ना? 4π के नीचे ले ले और ये भी पूरा नीचे लिख दे। ये कितना जा रहा है बोल नीचे? अपॉन और क्या हो रहा है? अपॉन में इसके, बोलो है कि नहीं? नहीं दिखा आपको? दिख गया ना ये? अब ध्यान दे, आई की वैल्यू होती थी V/r। आई की वैल्यू क्या होती थी? वी यूज टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस, और जो नीचे वाली टर्म है वो पूरी की पूरी क्या है? आर, आर इक्वलेंट। अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो ये वाली टर्म क्या लिखी है? आर इक्वलेंट लिखी है ना, मतलब कि हमारा जो आई की वैल्यू है वो T1 - T2 अपॉन आर इक्वलेंट लिखी है, जिसमें आर इक्वलेंट कितना है? ये पूरा क्या है? आर इक्वलेंट नजर नहीं आया? तो आर इक्वलेंट निकालने के लिए ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस में भी और मेंस में भी, स्फीयर के लिए। समझे? एडवांस ने तब भी पूछा था जब ये सब्जेक्टिव होता था, और मेंस ने तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछा था किसके प्रोपोर्शनल होता है। बता दें तो बहुत अच्छा, अगर याद होता है ना ये तो बहुत फायदा हो जाता है, नहीं तो सोच लो क्या क्या करना पड़ जाता है। ठीक है? तो इसीलिए इट इज बेटर टू लर्न, बट यू शुड नो हाउ दिस वॉज डन, अदरवाइज मैं सीधे लिखवा देता, ये आंसर आता है, रट लो। रटना नहीं है, समझना है, और अगर ये चीजें याद रह जाए तो बहुत अच्छा। तो बोलो आर इक्वलेंट कितना आ गया बेटा? R2 - R1 upon 4πk R1 R2। बोलो आया समझ? ये आर इक्वलेंट। क्लियर है बात? एरिया
जो वेरिएबल है, अरे इसका बेटा इस वाले स्फीयर का जो है छोटा स्फीयर बना है आर पे जाके, आर प्लस डी आर, डी आर इज वेरी स्मॉल ना, इसीलिए तो यही तो फायदा होता है, ये इतना पतला होता है कि यहां से लेके यहां तक भी आर ही मान लेता है, अदरवाइज तो मैं कभी किसी भी चीज में नहीं लिख पाता ना। चलो अगला करते हैं, ये पहला था ना, दूसरा ले लेते हैं। चलो एक सिलेंडर ले लिया इस बार हॉलो, अरे तू देख लिया कर पहले यार, पहले ही डाउट माता यार देख। वैसे ही कॉन्सेंट्रिक जैसे अभी लिए गए थे, गिवन क्वांटिटीज देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है कर, क्या हुआ पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, पता तो लग गया होगा। अच्छा हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, चल ये तो बता दे, अंदर से बाहर। हीट इज कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अरे यहाँ टेम्परेचर T1 है और ये T2 है तो हीट का फ्लो तो ऐसा होगा, सही तो है भाई, जो ये वाला पार्ट है और इसको कवर कर रखा है इस वाले पार्ट में। अपन ने पता है क्या किया, ऐसे देख लिया, जैसे ही मैंने इसे ऐसे देखा सुनो मेरी बात, ध्यान दो बेटा, इसको जैसे ही हम लोगों ने साइड व्यू से देखा ना, साइड व्यू से देखते ही हम लोगों को एक स्फीयर नजर आया, ठीक है। अब असली में जो स्फीयर है ये पूरा अंदर तक ये देख सिलेंडर जा रहा है, आप अगर ध्यान से सोचें तो ये तो एक सिलेंडर है ना, ये वही सिलेंडर है जो आप लोगों को यहां से देखने पे सिलेंडर ऐसे रखा था, एक के अंदर एक। आपने अब यहां से देखा तो एक गोला ये देखा, एक गोला ये देखा, फील आ रही है इस बात की। तो आप लोग ऐसे साइड व्यू देख रहे हो, आप अगर इसको ऐसे देखते तो आपको रेक्टेंगल दिखता, आप अगर इसको ऐसे देखते हैं तो आपको क्या दिखता है इसका पीछे, रेक्टेंगल दिखता ना आपको, ये वाले कर्वेचर थोड़ी ना दिखते इसके, या ये भी दिख जाते कि एक आर वन का एक आर टू का, ये थोड़ी ना दिखता। ये हमें कब दिखा, जब हम क्लियर हुई आपको बात, तो ऐसे साइड से जाके कई बार चीजों को देखें तो आप लोगों को फील आएगा। हुआ क्या है और फिर से आर पे जाके क्या कर लिया गया, आर पे जाके फिर से क्या लिया बेटा, अरे थोड़ा थोड़ा तो बनाते रहा करो ना यार, क्या मेरे को रंग रोगन करते हुए देखते रहते, ठीक है। अच्छा अब सुन, ये जो आपने एलिमेंट लिया है ये स्फीयर है या सिलेंडर है, व्हाट इज दिस एलिमेंट, स्फीयर और अ सिलेंडर, सिलेंडर है भाई साहब जो पूरा ऐसा है,
बेसिकली इसको इमेजिन करना है ना, तो ऐसे करो, देखो यार एक तो बातें मत करो, यहाँ पर ध्यान दोगे ना तो चीज़ें समझ आएंगी। देखो यहाँ पे आप छोटे आर पे गए और आपने देखो यहाँ पर यह एलिमेंट लिया है, समझ पा रहे हो? तो ये पूरा असली में एक सिलेंडर ही तो ले लिया आपने, ये छोटा आर हर जगह है बेटा, इधर भी है, 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 ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। समझना इस वाली बात को, समझने वाली बात है, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर तो चारों तरफ होता है ना यार, आपके यहाँ ऐसे सिलेंडर ऐसे फ्लैट आता है, कागज जैसा कागज आता है कि सिलेंडर आता है? सिलेंडर में वॉल्यूम होता है, मतलब इट्स अ 3D फिगर। कैसा फिगर है? तो अगर मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूँ और सिलेंडर फॉर्मेशन की बात करूँ तो मेरे यहाँ से ऐसे रेडिएशन निकलने चाहिए। सोचो क्या मैं एक लाइन सोर्स हो गया? देखा सबको क्या फॉर्म हो गया, याद कर, आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस बनाया था सिलेंडर, समझ गए? यही कहानी यहाँ पे। तो ये देख, ये रहा सिलेंडर, ये वाला पूरा है ऐसे ही, सबको फील आती है? अब सुना, अब एरिया लिखते हैं इसका, ठीक है? आई वापस वही स्टेडी स्टेट वाला लेना है, तो आई की वैल्यू हम लोग क्या लिखने वाले हैं बेटा, माइनस के टाइम्स डी टी बाय डी एक्स। एंड व्हाट इज द एरिया नाउ? अरे इसका एरिया बोलना, इसकी लेंथ मान ले एल है, लेट्स कॉल द लेंथ एल। आप सिलेंडर का एरिया 2πRL नहीं बता पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया बेटा, मैं ही बता देता हूं, मेरे को हार्ट अटैक दोगे नहीं तो। बोलो सही है, अरे एरिया बोलो सही है, बोल दो सही है, तुम्हें तो पता ही नहीं लग रहा सही है गलत है, रहवा दे, जावा दे, अठे आवा दे। अच्छा देख, माइनस के टाइम्स ई टी बाई डी एक्स, ए की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा, 2πRL। आपस में आते बंद कर दें पीछे वालों, बहुत पड़ेगी बेटा, बहुत प्यार से देख रहे हो एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है वो टिकटॉक पे वो जो वीडियो बनाते हैं ना लड़के, वैसी हरकतें। चलो ऐसे मत बैठा करो, आई की वैल्यू दिख गई सबको। वापस क्या एक्स की जगह पर आर कर दूं बेटा? बोलो क्या हो जाएगा, आई अपॉन क्या हो गया बोल, 2πRL इज इक्वल टू क्या बेटा, डी टी अपॉन डी आर विद अ माइनस साइन। ये रहा ना, कहाँ 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 गया, ठीक है? हाँ अब बोल, ये आर यहाँ दिख रहा है तो डी आर भी यहाँ उछाल दिया जाए, तो आई अपॉन 2πKL डी आर अपॉन इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस डी टी। और ऐसा होने पे किसका ख्याल आया, सांप का, आर वन से लेके आर टू तक का और टी वन से लेके टी टू तक का, सभी को आया था 1/r का बोल, LNR। 1/r का क्या होता है बेटा, LNR होता है। तो I अपॉन 2πKL और यहाँ क्या आ गया आपका, LNR कहाँ से कहाँ तक बेटा, R1 से लेके शुड बी इक्वल टू क्या बेटा, T1 माइनस T2। वापस यहाँ क्या बचेगा, T1 माइनस T2। इंटीग्रेट करना आपने को आता है, राइट? क्या बोल रहे हो आप, खुद ही राइट बोल देते हो सर, यही बस अच्छी बात है। हाँ तो बोलो यहाँ पर LNR2/R1 ये क्या बन जाएगा, LN। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू, बोलिए पहले यही लिख देता हूँ, I अपॉन 2πKL यहाँ क्या बन गया बेटा, LN R2/R1 इज इक्वल टू व्हाट, T1 माइनस T2। तो I कितना आ गया बोल, T1 माइनस T2 अपॉन में बोलो LNR2/R1 और अपॉन 2πKL। बता सही है, ये समझ में आया?
ये देख अपॉन में इसलिए लिखा कि असली में तो ऊपर जा रहे, तो ये क्या लिखा हुआ है, आर इक्वलेंट, सबको दिख गया वी बाय आर, व्हाट इज योर आर इक्वलेंट नाउ, लिखवा दो अलग से, एल एन आर टू अपॉन डिवाइडेड बाय टू पाई के एल। फिर से जेई का सवाल, याद होता है तो बड़ा मजा आता है, नहीं याद होता है तो हमेशा दिक्कत आती है। क्वेश्चन करें, देखो बात बंद और यहां ध्यान दें, बस पीछे लो, अभी बोला था ना, चलो सुनो ध्यान देने वाले, आपको ITH और R equivalent निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन तो इतना ही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है। प्रश्न ये है, बात बंद बेटा यहां ध्यान दो, ये उड़ जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कब उड़ गया, ठीक है, इसीलिए ज्यादा खिकी ना करें, क्योंकि जब जिंदगी खिकी करती है ना रिजल्ट वाले दिन तो बहुत बुरा लगता है। चलो ध्यान दो, यहां पर टेम्परेचर है बेटा T1, यहां पर टेम्परेचर है T2, आओ इधर टेम्परेचर T1, इधर टेम्परेचर T2, इस पोर्शन का एरिया है बेटा, सॉरी रेडियस है A और इसका रेडियस कितना है B, आप लोग देख सकते हैं यहां पे एरिया वेरिएबल है, ठीक है, कैसा एलिमेंट लेंगे क्या करेंगे आप लोग बताएं, एलिमेंट क्या लेंगे, किधर ट्रेवल करेंगे, वेयर विल यू टेक द एलिमेंट, टेल मी। यार तुझे गर्मी नहीं लग रही, हाँ मोटा नहीं है यार, अच्छा वो तो गर्मी लग रही है इसी में भाई, इनका कहना है कि सर आप है ना एक काम करो, यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे चले जाओ और एक डिस्क बना लो ऐसे, यही बोल रहा है क्या, ये वाली डिस्क ऐसे, ठीक है, अब इसका तो रेडियस भी वेरिएबल है, पर आर मान ले, ले एक्स भी वेरिएबल आर भी वेरिएबल, मजा आने वाला है तेरे को जीवन में, आप दे मान लो भाई छोटा आर लो, ठीक है, एक्स भी वेरी कर रहा है आर भी कर रहा है ना, करो अब आगे, हाँ कर करके दिखा, प्लीज डू इट, कर दिया तो आज तू 100 रुपये लेना मेरे से, कोशिश करोगे हो सकता है, करो 2 लाइनें 2 ट्राइंगल, तू करना जैसे भी कर रहे हैं मुझे मत बता क्या कर रहे हैं, अपना एक बार सॉल्व करके दिखा दे, जो भी तेरे को मन में आ रहा है उस तरह से ट्राई कर रहा, 2 ट्राइंगल के 8 ट्राइंगल जो मन में आ रहे है कर रहा। हिंट के तौर पे मैं यहां पे कुछ कुछ कर रहा हूं, लो लो, लो लो
और लो, अब नहीं ले पा रहे, कोशिश करो। अच्छा ये क्या लिखा है ये तो बता दो सर पहले, है ना? टेन थीटा लिखा है। चलो देखो यहाँ पे ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा ट्रायंगल देखिए, ये दिख गया, यहाँ वाला यहाँ बना दिया। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? आर माइनस ए, और ये वाली लेंथ कितनी है? एक्स। ये एंगल थीटा देखा, और एक देखो ये वाला बड़ा ट्रायंगल दिखा किसी को, ये वाली लेंथ कितनी है बेटा? बी माइनस ए, और ये वाली लेंथ कितनी है पूरी? एल। तो दोनों थीटा बराबर है ना? ठीक, एल और आर के बीच में एक रिलेशन लाने के लिए ही ये वाली इक्वेशन लिखी गई है, अदरवाइज हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस बार आर भी वेरिएबल है और एल भी वेरिएबल, राइट? आर और एल दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए इसको लिखा है। अब आर को एल की टर्म्स में लिख ले, बता क्या आ जाएगा। व्हाट इज आर इन टर्म्स ऑफ एल? बोलो भाई, आर माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा? बी माइनस ए बाय एल, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है बता? आर माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स। एक और स्टेप लिखना पड़ता उसी में करके, सही है? क्या लिखूं? ठीक है, लेट्स डिफरेंशिएट दिस आर विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब डी आर अपॉन डी आर निकाल। ये तरीके हैं बेटा जो सीखना है हमें, अभी आपको पता लगेगा क्यों किया गया होगा। इज इक्वल टू व्हाट? बी माइनस ए बाय एल, यहाँ क्या बेटा? एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन, और ए तो कांस्टेंट है, तो दिस विल बी जीरो। जो कांस्टेंट है वो तो क्या हो जाएगा? जीरो। पर बी माइनस ए बाय एल इज नॉट कांस्टेंट, मतलब सॉरी एक्स इज नॉट कांस्टेंट, तो इसीलिए डी एक्स बाय डी आर हो गया, ये टर्म कांस्टेंट थी बाहर आ गई और डी एक्स बाय डी आर बच गया। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन। अब आगे की कहानी करें, देखो मत, इतना छापो और आगे की करो, डू इट। बहुत सारा हिंट आपको मिल चुका है, कोशिश करो एक बार। नोट कर लिया? अच्छा, तो देखो फिर, अगर नोट ही कर लिया तो मैं ही बताया था। चलो बताओ, इसके अंदर जो हम रेजिस्टेंस लिखेंगे क्या वो डी आर होगा या आर होगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर तो हो ही जाएगा, पर इनिशियली तो उस छोटे एलिमेंट के लिए लिखना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आर? बड़ा आर लिख रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये आर क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू याद है? एल अपॉन के। आर क्या लिखते थे अपन? एल अपॉन, याद है ना बेटा? ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगा, तो व्हाट इज डी आर? एल अपॉन के ए। एरिया क्या लिखूं बेटा उसका? अरे पाई आर स्क्वायर डी एक्स। एरिया उस छोटी डिस्क का क्या हो जाएगा? पाई इंटू छोटे आर का स्क्वायर। बोलो सही। तो हमारे पास में क्या आ गया? एल अपॉन के इंटू ए। अच्छा, असली में एल है या डी एक्स है? एल है या डी एक्स है? डी एक्स, और ये हो गया के पाई आर स्क्वायर। बोलो सही। एल अपॉन के ए हो गया अपने पास, राइट? है ना भाई? अब इसमें तेरे पास जो बचा असली में वो क्या बचा इस डी आर सा? अपने पास में आ गया डी आर इज इक्वल टू वन अपॉन के पाई और डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। बोलो बचा के नहीं? अब देख, ये तो आर रेजिस्टेंस वाला है, ये आर रेडियस वाला है, और ये एक्स लेंथ वाला है,
पर क्या dx की वैल्यू हम लोग यहां से यहां पे पुट कर सकते हैं? बोलो dx की वैल्यू क्या है? ये तो 1 है. व्हाट इज dr अपॉन dr? 1. ये dr ऊपर जाएगा, l भी ऊपर जाएगा और b माइनस से नीचे आएगा, तो आपका dx आ जाएगा. व्हाट इज dx फ्रॉम इक्वेशन 1? dx की वैल्यू कितनी है बताना. मैं लिख रहा हूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1. बोलो क्या आ रहा है? व्हाट इज dx? एल डी आर अपॉन बी माइनस ए. बोलो सही है क्या? कैन दिस वैल्यू बी यूज्ड हियर? ये इक्वेशन नंबर 3 एंड आई एम पुटिंग 3 इन इक्वेशन 2. पुट करें. बोलो क्या? डी आर इज इक्वल टू, हाँ आ जाओ वापस सब लोग, यहां पीछे बेटा, इधर डी आर की वैल्यू. लेट्स पुट डी एक्स हियर. तो बोलो क्या आ गया? 1 अपॉन के पाए. आगे बोल डी एक्स की जगह पर ये पुट करूं, कितना हो गया ये? एल डी आर अपॉन, देखा किसी को? देख तेरे को डी आर अपॉन आर स्क्वायर मिल गया, फायदा हो गया ना. डी आर अपॉन आर स्क्वायर मिल गया, तो अब तेरा आर जो है ना वो अब इंटीग्रेट किया जा सकता है आर के रिस्पेक्ट. पहले तो डी एल था, सॉरी डी एक्स था, तो अपन कैसे करते हैं उसको इंटीग्रेट? तो इसीलिए वहां पे एक रिलेशन निकाला गया पहले, किस किस के बीच में? एल और आर के बीच में, डिफरेंशियल फॉर्म में. कैसी फॉर्म में? फील आती है क्यों निकाला था? वेरी गुड. अब ये वैल्यू लिखने के बाद में मेरे मन में आगे का सॉल्व करने की चीजें दिखी, तो क्या आ गया? एल अपॉन के पाई इंटू बी माइनस ए. और यहां क्या आ गया? डी आर अपॉन आर स्क्वायर. अब आर की वैल्यू आ जाएगी. इंटीग्रेशन क्या बेटा? ए से लेके बी तक. इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? ए से बी तक. तो 1/r² का क्या होता है? -1/r. तो बोलो क्या आ जाएगा बेटा? डी आर इक्वल्स टू व्हाट? एल अपॉन के पाई बी माइनस ए. अंदर में बोल -1/r कहां से कहां तक बेटा? ए से लेके बी. और जैसे ही करूंगा तो 1/b - 1/a आएगा या 1/a - 1/b? माइनस साइन दिख गया, तो 1/a - 1/b आ गया. क्या आ रहा है यहां पे? एल अपॉन के पाई बी माइनस ए. और यहां बोलो अंदर क्या आ गया? 1/a - 1/b. ये माइनस साइन के कारण हो गया बेटा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उल्टा हो गया, दिख गया. अब अगर ये भी दिख गया तो शायद तेरे को बी माइनस ए कटता हुआ भी दिखेगा. बोलो क्या दिखा यार? अभी छापो मत, इधर देखो छपाई में क्या लगे हुए? के पाई बी माइनस ए. यहां ले ले एलसीएम. क्या बेटा? नीचे को ए बी और ऊपर को दिख गया, ये भी दिख गया. हमारे पास में क्या आ गया? एल अपॉन, कितना सुंदर आंसर आ गया. इधर आर है, ये क्या है तेरा? अब आई अगर लिखना है तो आई कितना हो जाएगा? t1 - t2 अपॉन, जल्दी बोल, एल अपॉन, नजर आ गया आंसर. एग्जाम में पता है क्या पूछा था? आर की प्रोपोर्शनलिटी पूछी थी ए और बी के साथ. तो जिसको पता था इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बी, उसने लिख दिया. जिसको नहीं पता था वो सोचता ही रहा और सवाल छोड़ दिया. वन ऑफ द टफेस्ट फ्रॉम दिस सीरीज. ऐसा लगा क्या आपको भी? टफ लगा? अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए. एक मिनट पहले छाप लो, उसके बाद पूछ लो. पहले छपाई करो, कई चीजें तो छापते छापते ही समझ आ जाएंगे. हाँ भाई पूछ, क्या पूछ रहे? एक मिनट. हाँ हाँ, ये डायरेक्ट थोड़ी आई है, मैंने डिफरेंशिएट किया. नहीं, मैंने आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया.
यहाँ पे लिख दे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ये ले डायरेक्ट क्या आई है, मतलब डिफरेंशिएट करके आई है, बोला तो था मैंने डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये तो वन बन गया, वो डी एक्स बाई डी आर बन गया, ये टर्म तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और किसी को कुछ नहीं पूछना, बहुत बढ़िया, आपको फाइनल आंसर याद होना चाहिए और आर टी एच याद होना चाहिए, एल अपॉन के पाई ए बी, एल अपॉन के पाई ए बी, तरीका आप लोगों को याद रहे ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद रहेगा, मैं चाहता तो फिर बता रहा हूँ डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखवा सकता था बिना बताए कुछ भी, ठीक है। बर्फ जम जाती है ना बेटा, नदी जम जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, ऊपर ऊपर जम जाती है, नीचे पानी रहता है ना, हर चीज को फिजिक्स ने बढ़िया से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि बेसिकली पानी तो रहता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बाहर की जो हवा है ना, बाहर जो एयर है उसका टेम्परेचर नेगेटिव में हो गया, मान लो उसका टेम्परेचर क्या हो गया नेगेटिव में। अब ये जो पानी होता है ना अपने पास में, ये हीट लॉस कर रहा होता है किसको, एयर को, क्यों, क्योंकि पानी कितने पे है, यहाँ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो 0 ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है ना, मैं बोलूँ -2 ज़्यादा है या 0 ज़्यादा, वेरी गुड। तो इस कारण क्या करता है पानी, अपने से जो हीट है वो निकाल निकाल के हवा को फेंकना शुरू कर देता है, वो बोलता है भैया तुम रखो मेरी हीट, तुम ठंडे हो रहे हो, तुम्हें गर्म करता हूँ। तो पानी जो अपने पास से हीट निकाल के फेंकता है उसके कारण पानी ठंडा होने लगता है और बर्फ जमने लगती है, क्या जमने लगती है, बर्फ। आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं, देखिए बेटा बर्फ जमी हुई झील, कहाँ देखी है, टीवी में नहीं, रियल में देखी है, हैं, माउंट आबू में देखी थी, हाँ माउंट आबू में जम जाती है नक्की लेक, और कश्मीर में देखी है, श्रीनगर में, किसी ने, किसने देखी है, हाथ ऊपर करो, कहाँ, श्रीनगर घूमने गई थी, वेरी गुड, और पहलगांव, अगेन मतलब कश्मीर, और हाँ श्रीनगर, वेरी गुड, और मटके में देखा होगा बर्फ जम गई, किसी ने इसको गोला खिला दिया होगा बाड़मेर में, इसे लगा नदी जम गई, नदी जम गई, नदी जम गई, इतना सारा पानी एक साथ क्यों बताता है तू बार बार क्या है। तो यहां से बेटा डी क्यू का हीट लॉस हुआ, डी क्यू क्या हुआ, हीट लॉस, और जितना भी हीट लॉस हुआ ना वो सब कैसा था, पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर रहा था, क्योंकि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 पे। तो ये जो डी क्यू होगी क्या ये ml के फॉर्म में बाहर जाएगी, ये जो डी क्यू होगी किस फॉर्म में बाहर जाएगी, ml के फॉर्म में बाहर जाएगी, बोलो जाएगी क्या, नहीं, ml मतलब लेटेंट हीट लगेगी, क्योंकि इसकी नेक्स्ट स्टेज होगी 0 डिग्री आइस, इसकी जो 0 डिग्री पानी की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी बेटा, 0 डिग्री आइस होगी। तो हम लोगों ने ऐसा बोला कि dx मोटाई है और यहाँ से x डिस्टेंस है, x पे जाके dx लेते हैं ना अपन लोग, तो बार बार वही चीज कर रहे हैं, इसका एरिया मान लिया a है, ठीक है। तो वॉट इज i, k a टाइम्स t1 माइनस t2 अपॉन l, k टाइम्स t1 माइनस t2 अपॉन व्हाट इज t1 0, व्हाट इज t2 माइनस t, तो क्या यहाँ पे सिर्फ t आ गया, पूरा लिख देता हूँ, 0 माइनस बोलो सही है, और अपॉन x, अपॉन क्या हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया बताइए, k a t by x, बोलो ये बात क्लियर है, ये तो आपका i है और i होता है dq by dt, i क्या होता है। अब ये जो dq by dt हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज k a t अपॉन x, दिस इज k a t by x, और ये जो dq है असली में कहाँ काम आ रहा है, ml में, dq असली में कहाँ काम आ रहा है, मास लिख के दिखाओ इसका,
अगर डेंसिटी रोए तो डेंसिटी क्या बेटा इसकी, मास कैसे लिखूंगा, रो इनटू वी, और वॉल्यूम कैसे लिखूंगा, ए डी एक्स लिख सकता हूं ना। दिस डी क्यू बाई डी टी शुड बी इक्वल टू क्या, एम एल, मास लिखो एल से मल्टीप्लाई करो, अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू एल एफ है तो मेरे को फाइनली आंसर बताइए क्या आने वाला है, करो जल्दी से। हिंट में दे चुका हूं, दिस डी क्यू बाई डी टी विल गो इन टू एम एल। मास लिखने का तरीका हो गया रो ए एक्स, और एक्स की जगह पे आ गया डी एक्स। जल्दी से बताइए, आगे आप लोगों को सॉल्व करना है सोच समझ के। बोलो भाई मास क्या लिख रहे हो, इसको किसके बराबर कर दूं, डी क्यू बाई डी टी को एम एल एफ के बराबर कर दूं, क्योंकि सारी जो हीट लॉस होगी वो कौन सी हीट होगी बेटा, लेटेंट हीट। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आ गई ना सबको, क्योंकि पानी से क्या बनने वाली है, बर्फ, पानी से बर्फ बनेगी तो हीट विल बी लेटेंट इन नेचर, इसीलिए हमारे पास में क्या आ गया, के ए टी बाय एक्स इज इक्वल टू मास हो गया बेटा रो ए डी एक्स इंटू एल एफ, जहां से आप लोग देख सकते हैं एक्स डी एक्स बन जाएगा और ए से ए कट जाएगा, देखा, तो हमारे पास क्या आ गया, के टी अपॉन रो एल एफ इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। और अगर जीरो से लेके एक्स तक की हम लोग लिमिट लगा दें यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए, के टी अपॉन रो एल एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू, जहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाएगी, जो थिकनेस ऑफ आइस आई है कितनी आ जाएगी जल्दी से बता दो, बोलिए बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई है, करो करो करो, अरे डी टी तो रही गया, इसमें डी टी रह गया ना यार, इसमें डी क्यू बाई डी टी था ना, मैंने डी क्यू की वैल्यू पुट की, डी टी वो तो भूल ही गया अपन, ये अपन लोग क्या लिखेंगे, डी क्यू कितना आ गया था अपने पास अभी, के ए टी डी टी, यही था ना रो ए डी एक्स, अब करो सॉल्व, करो करो करो, हाँ ठीक है, करो बेटा सॉल्व, सर टाइम की वैल्यू बताओ, टेल मी द वैल्यू ऑफ टाइम, टी छोटा टी, जीरो टू टी में इंटीग्रेट करना टाइम को, एक्स को इधर उछालो, ए से ए कट गया तो हमारे पास में क्या आ गया, के टी डी टी इज इक्वल टू रो एक्स डी एक्स, और ये एल एफ तो है ही सही, जीरो टू छोटा टी और ये जीरो टू एक्स थिकनेस देखने के लिए, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बताओ, ये हो गया बेटा के टी, यार सीधे टाइम ही लिख देता हूँ, टाइम के लिए यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट, तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, रो एल एफ अपॉन के टी और एक्स स्क्वायर बाई टू, यही आएगा, सारे टर्म्स हो गए बेटा, टाइम निकालना था तो रो एल एफ एक्स स्क्वायर बाई टू
और ये केटी नीचे, यही आपका टाइम। एक्स स्क्वायर से प्रोपोर्शनलिटी होती है जो आपके बर्फ जमने की रेट होती है। टी रो एल एफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू के टी बोल लो उसे, जैसे भी बोलना चाहो, ठीक है। मुद्दे वाली बात इसके अंदर क्या है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछा, एक स्टार बना के लिखो लाइन। टाइम टेकन टू डबल एंड ट्रिपल द थिकनेस रेशो, टाइम टेकन टू डबल एंड ट्रिपल द थिकनेस रेशो, बोलो क्या आएगा, टाइम टेकन टू डबल एंड ट्रिपल द थिकनेस रेशो, मतलब टी वन इज टू टी टू इज टू टी थ्री बताना है, बोलिए क्या आ जाएगा, डबल एंड ट्रिपल। तो वन इज टू टू का स्क्वायर इज टू थ्री का स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। अब ये क्वेश्चन देख डायरेक्ट हो जाता है अगर ये पता है तो, अगर सिर्फ ये याद है ना ग्रोथ ऑफ आइस के अंदर, तो ये डायरेक्ट हो गया। आंसर बोल, वन इज टू फोर इज टू नाइन हो गया। क्या आपको समझ में आया है, नोट डाउन कर। हाँ क्या बोल रहा था बेटा, आज इतना ही करते हैं अपन लोग, है ना।